फ्रेंड्स, वर्ग पहेली को का मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ आज, जिसको आपने बहुत लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, वर्ग पहेली में, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें हमारे दो तरह के डायमेंशंस होती हैं, एक बाएं से दाएं और एक ऊपर से नीचे। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें कितने वर्णों का कोई अक्षर बनाना है। जैसे हम शुरुआत करते हैं, जैसे पहला है हमारा संवेदन बोध। संवेदन यानी कि संवेदनशीलता, हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड ये शब्द है। संवेदन बोध, हमें उस चीज़ को जानना, पहचानना, अनुभूति करना। तो पहला शब्द हमारा लगभग कुछ कुछ चार वर्णों का हो सकता है, तो इसे हम लिखेंगे अनुभूति। अनुभूति। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेटर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लेते हैं ऊपर से नीचे, समर्थन करने वाला। समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? समर्थक भी कहते हैं, लेकिन समर्थक हमारा चार वर्णों का होगा, हमें कम से कम पांच चाहिए। और दूसरी बात का हमें ध्यान रखना है कि पहला वर्ण हमारा अ से शुरू होने वाला है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा शब्द है जिसे हम कहते हैं अनुमोदना। अनुमोदना मतलब हम किसी की बात को, यदि हम उसका समर्थन करते हैं, उसकी बात को हम मानते हैं, तो उसे कहते हैं अनुमोदना। और समर्थन करने वाला तो क्या हो जाएगा? अनुमोदक। अनुमोदक, ठीक है, हमारा दोनों सही हो गए। इसके बाद हम लेते हैं हमारा पांचवा लेटर, जिसे हम कहते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। बाएं से दाएं हमें पहला वर्ण मिल गया, मो, क्लू मिल गया मो, तो क्या हो जाएगा? आसक्त मुग्ध। तो आसक्त मतलब उसे हम कहते हैं, जब हम किस पे आसक्त हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, तो उसे कहते हैं मोहक। मोहक, ठीक है। तो हमारा ये हो गया मोहक, या मोहित भी हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे वर्ण इधर उधर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेटर आ जाता है अवसर। अवसर यानी कि हमारा, ये सबको पता है, यानी कि मौका। मौका, तो ठीक हो गया। अब हमारा छठा, हमें फिर से हमें क्लू मिल गया, मौ से बनने वाला कोई शब्द, ऊपर से लेके नीचे। इस सदाबहार वृक्ष में छोटे छोटे फूल खिलते हैं। मौ से कौन सा वर्ण होगा ये, चलिए अभी देखते हैं इसको। लेट इट बी, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद देते हैं पार्वती की माता का नाम एक अप्सरा, जो है अप्सरा है, सबको पता है पार्वती की माता, माता कौन है, क्योंकि हमें बात का क्लू का मिल गया, तो हम का इसे लिखेंगे मेन का। तो ये बन गया हमारा मेन का। इसके बाद हमारा दूसरा वर्ण है, ये है हमारा कि पारिश्रमिक, मजदूरी। तो जब मजदूरी लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हमारी मेहनत है। तो जब हमें पारिश्रमिक यानी कि हमारा जो पैसा मिलता है उसे कहते हैं मेहनताना। मेहनताना बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये, अगर आप थोड़ा सा क्लू लगाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा हमारा लेटर है दिखावटी, अस्वीकृति, नाज, अदा, नाज, नखरा, अदा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं लड़कियों के अक्सर थोड़े थोड़े से तरीके हैं बहलाने के, तो इसे कहते हैं नखरा, नाज, नखरे, ठीक है। तो थर्ड भी हमारा सॉल्व हो जाता है नखरा। इसके बाद देखते हैं हम लोग फोर्थ, देखते हैं ऊपर से नीचे, 1 2 3। अज्ञात, अपरिचित, तो क्या हो जाएगा? जो हमें मालूम नहीं होता, पता नहीं होता, तो ना हमारा ऑलरेडी लिखा है, तो लिखा जाएगा ना मालूम, जो हमें मालूम ना हो। इसके बाद लेते हैं हम नेक्स्ट इज सेवेंथ, लेते हैं इधर से बाएं से दाएं में, जो कौ से शुरू होगा इसका है वर्ण दोष, अपराध, एक फिल्म का नाम। तो ये अक्सर हमारा, मेरा क्या दोष है, क्या कसूर है, या कह सकते हैं हमारा इसके पीछे क्या कारण है, तो कसूर पिक्चर भी है, दोष। इसके बाद अंग्रेजी वर्ष का नौवां महीना, बहुत सही, बहुत आसान, सबको पता है नौवां महीना हमारा सितंबर होता है, हिंदी में हम लिखेंगे सितंबर। हमेशा जो छोटा वर्ण होता है, हमारा आधा लेटर है, वो बड़े लेटर के साथ में आता है, तो सितंबर। दसवां हमारा नौवां क्लू हो गया। इसके बाद हमारा लिखते हैं हम लोग ट्वेल्थ,
शरीर सहित जो शरीर के साथ है, शरीरी या अशरीरी, तो जो शरीर के साथ है तो वो हो जाएगा हमारा सशरीर। देखते हैं फिट बैठा है, बिल्कुल सही है, सशरीर। ठीक है, इसके बाद हमारा हम लेते हैं 11वां लेटर, मग्न प्रेम आदि में डूबा हुआ। जो चीज़ मग्न है, जो डूबा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं। हमारा 11th लेटर है, यानी कि हमारा दो वर्णों का लेटर है, तो जो मग्न है, निमग्न है, तो र ऑलरेडी मिल गया, तो उसमें हम रत, तल्लीन, इन्वॉल्व। ठीक है, इसके बाद हमारा 13वां लेटर है, 13वां देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकार, भांति, किस्म, तरह हो गया है, तो सिंपल है, तरह। वृक्ष का धड़ किसे कहते हैं, तना, त, न, बिल्कुल ठीक हो गया ये भी। इसके बाद हमारा जो अच्छा ना हो, यानी कि जो बुरा हो, क्योंकि बुरे में तीन लेटर आ नहीं सकता, तो जो अच्छा ना हो, 13वां है हमारा, नहीं 18वां लेटर है, इसमें क्या हो जाएगा, जो अच्छा ना हो, यानी कि अच्छे का उल्टा सबको पता है विलोम, खराब। तीन हमारे वर्ण भी पूरे हो जाते हैं और अक्षर भी बन जाता है, सही। इसके बाद 14वां देखते हैं, 14th क्या है, उतावला, जल्दी मचाने वाला, हड़बड़ी। हर कितने का होना चाहिए, 5 का, हर हर बड़ी, हर बढ़िया क्या हो जाएगा, हर बढ़िया, जो हर बड़ी करने वाला, तो वाले को हम ध्यान में रखेंगे, हर बढ़िया। 20th देखते हैं अब क्या है, गंगा बुद्ध देव की माता, महामाया, जो गौतम बुद्ध हुए हैं उनकी माता का नाम महामाया, ऐसी पार्वती की माता का नाम मेनका। थोड़ा सा पौराणिक के बहुत सारे हमारे इसमें वर्ण आ जाते हैं, उसका भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो हमारे के सब पूरे हो गए हैं लगभग, ये भी पूरा हो गया, सेकेंड भी। परमेश्वर जगन्नाथ, 19th ये भी देखते हैं, तो परमेश्वर जगन्नाथ, भगवान, भगवान, इसमें 4 ही वर्ण आते हैं, जगदीश्वर ये हो जाएगा, जगदीश्वर, बिल्कुल ठीक हो गया, जगदीश्वर। इसके बाद कभी किसी हालत में, तो किसी हालत में इसे हम कहते हैं कभी, यानी कि किसी भी हालत में, यानी कि किसी भी हालत में, हर गिज। हमें देखिए इसमें जो हमें क्लू मिल गया था, तो हमें इस बात का ध्यान में रखना हम क्या वर्ण कर सकते हैं, तो हर गिज हमारा बन गया। इसके बाद हम देखते हैं 16th लेटर, फुटपाथ पर बिकने वाले साहित्य को क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं इसको, देखते हैं, क्योंकि फुटपाथ पे अक्सर साहित्य जो होता है वो बेकार अवस्था में होता है और वो पल्प की फॉर्म में होते हैं, हम हिंदी में कहते हैं लुगदी, क्या कहते हैं, लुगदी। 16th हो गया हमारा लुगदी, और लास्ट रह गया रागा अंधकार, अंधकार यानी कि 17th, तमर यानी कि तम माने अंधेरा, और तमर माने ये हमारा लेटर पूरा हो जाता है। हमारा सिर्फ एक बचता है 10th, जिसे हम कहते हैं ये वाला, इस सदाबहार वृक्ष में छोटे छोटे फूल खिलते हैं, इसे हम कहते हैं मौलसिर, हमें मिल गया मौलसिर। तो इस प्रकार से आप देखें हमारे ये पूरा वर्ग पहले का ये पूरा हो जाता है। इस प्रकार आप समय समय पर इसको पूरा कर सकते हैं, आपका बहुत अच्छा पास टाइम हो जाता है और आपके शब्दकोश में वृद्धि भी होती है। थैंक यू।